नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर लगातार जारी है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष अपना आज दौरे के आखिरी दिन भी मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से ही मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम शुरू है। कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक, स्वाति सिंह, विधायक नीरज बोरा, सांसद कौशल किशोर से मुलाकात के लिए उन्होंने कार्यालय पहुंचे थे। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक सांसद और विधायकों से मुलाकात का कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ, लेकिन विधायक और सांसद भी मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई इस तरह की बैठक नहीं थी, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी आए हुए हैं, तो आज लखनऊ के सांसद और विधायक और एजेंसी उनके साथ एक परिचय और उनका अपना खुद का बैकग्राउंड क्या है राजनीति का, तो इतनी सी बात की तो परिचय जानने में और कोई बात नहीं। उसे कंट्रोल किया गया और सेवाई संगठन में कितने कार्यकर्ता कैसे काम कर रहे हैं उसके विशेष रूप से। तो क्या मतलब लखनऊ में जैसे जहाँ पे हमारे ऐसे राष्ट्रीय नेता जाते हैं वहाँ पर जिस स्थान पर जाते हैं। रायबरेली के एहार गाँव में गंगा एक्सप्रेस वे में जमीनों को समन्वय दर पर अधिग्रहित करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इसको लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसान नेता राजकिशोर सिंह बघेल ने नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने रायबरेली में डीएम कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और सिटी मजिस्ट्रेट युगराज सिंह को ज्ञापन दिया। किसान नेता राजकिशोर से बातचीत में उन्होंने बताया कि गंगा एक्सप्रेस वे के लिए चल रही जमीन अधिग्रहण कार्रवाई में रेल कोच फैक्ट्री एरिया एहार गांव की जमीनों का मूल्यांकन सामान्य दर पर किया जा रहा है, जबकि रेल कोच फैक्ट्री एरिया के रेडियस की भूमिका औद्योगिक क्षेत्र में आती है और उसका उसी के अनुकूल मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एहार ग्राम की जमीन को लेकर रेल कोच फैक्ट्री इलाके भी भूमि व्यवसायिक घोषित है। मामला है जो गंगा एक्सप्रेस वे हाईवे हमारे यहाँ से निकाला जा रहा है, किसानों के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा। NH 232 से सटे हुए जो प्लाट हैं उनका मुआवजा सामान्य भूमि के दर से दिया जा रहा है, जबकि रायबरेली से लेके लालगंज तक कहीं पर आप जमीन इस समय खरीदिए तो 11,000 प्रति वर्ग मीटर की आपको स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा। और ये जिला प्रशासन जिसके अध्यक्ष हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, इनकी चौखट पर आज आए हैं कि इनसे दरख्वास्त करने कि हुजूर हमको न्याय मिलना चाहिए जो हमारा रेट है। बस्ती जिले के मेहरीपुर गांव में स्वास्थ्य टीम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना जांच के नाम पर विभाग के कर्मचारी जिस तरह से लापरवाही कर रहे हैं वो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। गांव में लोगों का नाम नोट कर उनकी जांच नहीं की जा रही है, बल्कि टारगेट पूरा करने के लिए बिना जांच के ही कोरोना जांच कार्ड को तोड़कर रख ले रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की कोरोना जांच भी नहीं हो पा रही है और जांच किट भी खराब हो रही है। वहीं डीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं उनकी पहचान LT पद पर तैनात नितेश और वार्ड बॉय हसन के रूप में हुई है। डीएम ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। दोनों कर्मचारी संविदा पर तैनात हैं। इनकी संविदा समाप्त करने की भी प्रक्रिया डीएम के निर्देश पर CMO ने शुरू कर दी है। रायबरेली में 18 साल से 44 साल तक के युवाओं का मेगा टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। युवाओं के टीकाकरण के लिए शहर में 7 सेंटर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 9 CSC में इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला अस्पताल, IMA भवन, एम्स, PSC, देवानंदपुर और गोरा बाजार में युवाओं का टीकाकरण लगाया जाएगा। वहीं टीका लगवाने को लेकर युवाओं में बहुत उत्साह दिख रहा है। टीकाकरण के लिए 30 मई को बुकिंग का स्लॉट खोला गया है था, लेकिन एक दिन में 6,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिससे 5 जून तक की बुकिंग फुल हो गई। जिले में प्रतिदिन 1200 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों का वैक्सीन शुरू हो चुका है। आज हम यहाँ गोला बाजार स्थित केंद्र में है। हमारे साथ कुछ युवा है जिन्होंने आज वैक्सीन लगवाई है, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम शिवानी है। आज वैक्सीन आपने लगवाई है, किसी तरह का कोई डर, कोई
कोई डर नहीं है किसी, कोई भी बिल्कुल भी डर नहीं है। मुझे आप लोग के पास ये रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लोग जाके अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, क्योंकि बचेगा इंडिया तभी तो चलेगा इंडिया। आपका क्या नाम है? अमित शुक्ला नाम है। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी? जी नहीं, बहुत सही है और सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए मेरी। आपका क्या परिचय है? अभिनव शुक्ला मेरा नाम है और मैं वैक्सीन लगवाने आया हूँ। बाकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सारी सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं, आपको कहते कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका क्या परिचय है? मेरा नाम अभिषेक शर्मा है, मैं यहाँ पर वैक्सीन लगवाने आया था। बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे और मेरी यही युवाओं से विनती है कि आके वैक्सीन लगवाए। इन लोगों ने अपील की है युवाओं से कि सब लोग सेंटर पर आए और वैक्सीन लगवाएं। आपको बता दें कि रायबरेली जिले में युवाओं में इतना ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है कि एक दिन में ही 6,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आज यहां पर इस वैक्सीनेशन सेंटर में 100 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और देख रहे हैं युवा भारी संख्या में उड़े हुए हैं। और सभी से ये आग्रह है कि वैक्सीन लगाएं और कोरोना को मार दें। पैसों के लालच ने शराब के सौदागरों को इतना हैवान बना दिया है कि पैसे की चमक से वो मौत और जिंदगी में फर्क महसूस करना ही भूल गए। जहरीली शराब के कारण अब तक अलीगढ़ में 90 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, अपने परिवार से जुदा हो गए, साथ ही कई लोग अब भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पूरा मामला अलीगढ़ के लोधा क्षेत्र का है, जहां बीते 28 मई को जहरीली शराब पीने से करीब 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं अब ये आंकड़ा करीब 90 के पास पहुंच चुका है। बता दें कि इस मामले में सीएम योगी ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिसके बाद एसएसपी के द्वारा 6 टीम गठित करके एक मुख्य आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अधिकारियों के द्वारा रिपोर्ट की सार्वजनिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं अब तक कुल 33 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, साथ ही 16 ठेकों को निरस्त कर दिया गया और 8 सिपाही सहित 3 थाना इंचार्ज, 2 चौकी इंचार्ज व 5 आबकारी अधिकारियों और 1 सीओ को निलंबित करते हुए 2 सीओ से जवाब तलब किया गया है। स्तर पर गठित 6 टीमों द्वारा लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। 4 दिन के अंदर 33 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 50,000 के इनामिया अपराधी विपिन यादव एवं 2 प्रमुख अन्य अपराधी अजय चौधरी और मुनीश शर्मा, इनको गिरफ्तार पहले ही किया जा चुका है। तथा अब तक जो है 2 बड़ी फैक्ट्रियां जो हैं पुलिस द्वारा सील भी की गई और उसमें भारी बरामदगियां की गई हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी जारी हैं। देखिए, जो 28/5/2021 को अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड हुआ था, उसमें अभियुक्त थे दीपाल पुत्र रोशन सिंह और नरेंद्र पुत्र दीपाल। इनके बारे में ये जानकारी मिली कि इन्होंने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की ज़मीन जो लोधा में है, इसके हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा करके ट्यूबवेल बना लिया था। आज हमने उस ट्यूबवेल को ध्वस्त करा दिया है। इसी प्रकार इस शराब कांड में जितने भी अभियुक्त हैं उनके द्वारा जो भी अवैध संपत्ति अर्जित की गई है या जहाँ कहीं भी सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया गया है, हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं और जल्द ही उस पर कार्रवाई करेंगे ताकि इन शराब माफियों को एक अच्छा सबक। आजमगढ़ के तहबरपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि 2 पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं जब स्थानीय लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने के लिए गए, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने घायल व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इस दौरान घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। तहबरपुर में एक गांव में 2 पक्षों के बीच में अंडे की दुकान पर विवाद हो गया था और वापस बाद में इनमें आपस में मारपिटाई हुई। एक पक्ष थाने पहले पहुंच गया था और उसकी डॉक्टरी कराने के लिए भेज दिया गया था। वो डॉक्टरी कराने के बाद अपने गांव वापस जा रहा था तो दूसरा पक्ष मेटाडोर से आ रहा था, उसमें इनमें पुनः मारपीट हुई और वो उस मारपीट में मेटाडोर से एक व्यक्ति कुचल गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था 4 लोगों के खिलाफ। चारों के चारों अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और मौके पर शांति है। अलीगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस मुठभेड़ में 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक गैंगस्टर भी शामिल है, जबकि 2 अभियुक्त मौके से फरार हो गए, जिनकी दबिश दी जा रही है। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से 3 अवैध असलहे, 2 चोरी की मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल फोन बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। 3 दिन पहले एक कंपाउंडर जो कि महनाजपुर कस्बे में
हड्डी जोड़ने का कार्य किया करता था, कोमल यादव नाम का, उसके क्लिनिक पर फायरिंग हुई थी और बाद में अगले दिन 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इस संबंध में आज पुलिस मुठभेड़ के बाद 5 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें से एक गैंगस्टर में गाजीपुर से वांटेड है और इनके पास से 3 तमंचे और 2 मोटरसाइकिल जो कि घटना प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई है। ये शातिर अपराधी हैं और इन्होंने इस एक देवगांव क्षेत्र से एक शराब के ठेके से लूट भी की थी, उसका भी माल इसमें बरामद हुआ था और उसका जो मोबाइल फोन गया था उसी से इन्होंने रंगदारी। कानपुर के हैलेट अस्पताल प्रशासन का मानवीय चेहरा सामने आया है। इंसान से जानवरों जैसा बर्ताव किए जाने पर सवाल उठने लगे। दरअसल मरीज को बेड से बांधे जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मरीज अस्पताल के बेड से बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर अधिवक्ता जफर याब जिलानी को डिस्चार्ज कर दिया गया। बता दें कि 20 मई को जफर याब जिलानी की गिरने से चोट आ गई थी जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। वहीं अब उनकी तबीयत में काफी सुधार है जिसके कारण उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। ये रैकेट विकल्प खंड स्थित रेल विहार कानोनी के एक होटल में संचालित किया जा रहा था जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने 2 जगह दबिश डाली और उज्बेकिस्तान पंजाब की 4 युवतियों सहित 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर ADCP कासिम आब्दी की क्राइम टीम व चिन्हट पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कल देर रात थाना क्षेत्र चिन्हट में विकल्प खंड टीम में लग्जरी इन नाम का एक होटल रूम था। यहां पर मुंबई के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई, यहां पर सेक्स रैकेट का संचालन किया जा रहा है। इस पर जो थाना पुलिस की जो टीम थी वो मौके पर दबिश करती है, इसका नेतृत्व करते हैं और मौके से टोटल 10 लोगों की अरेस्टिंग किया जाता है, जिसमें बाद में जब पूछताछ की तो पता चला कि एक व्यक्ति है जिसका नाम अफजल खान उर्फ राजा है जो अवैध रूप से। सुल्तानपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां लोग दवाओं के लिए भटकते नजर आए, वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना एक्सपायर ही दवाओं को जला रहा है। दवाओं के जलने की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं CMO ने ACMO को जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अनिल राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर अनिल राज को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने जानकारी दी कि डॉक्टर पर मरीजों को अपने रिश्तेदारों के मेडिकल स्टोर पर दवाएं लिखने और बताए गए मेडिकल स्टोर से दवा न लाने पर इलाज न करने के आरोप लग रहे थे और इस मामले में 2 केस भी दर्ज किए गए थे। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर डॉक्टर को सीतापुर बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। अब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम TV।